हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन भाइयों के लिए जो कि कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमें बेस्ट प्रोग्रामिंग लैपटॉप बताओ, कौन से लैपटॉप हैं और कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं, और जो आप कोडिंग करते हो भाई जिनसे वो लैपटॉप हमें बताओ कौन से लैपटॉप। तो भाई मैं एच पी का करता था, 8 GB रैम, 120 GB। तो इसकी इंटरनल डिवाइस टू फ्रेंड्स उसके आप जो भी प्रोग्रामिंग के कोडिंग करना चाहते हैं, किसी के ऊपर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अदर सॉफ्टवेयर या अदर आप वेबसाइट एप्लीकेशंस कुछ के, तो सबसे उससे मेन पार्ट रहता है कि उनके लिए टूल्स करने पड़ लेने पड़ते हैं आपको। टूल्स की जो कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। देन उसको 1 1 GB का तो 1 1 एक पार्ट रहेगा उनका, और अदर्स आपको अगर बूस्ट आप कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, HTML कर रहे हो, तो उनके लिए अलग अलग से करने पड़ेंगे। बस आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, इससे हम लोकली नॉर्मल कर पाते हैं, लेकिन इतना भी है सही नहीं है इसके लिए। अभी इसमें भी हम इसकी जो है 8 GB है, बट हम इसमें कोडिंग नहीं करते। हमारे मैकबुक प्रो है उसमें हम कोडिंग करते हैं, और HP में करते हैं। अभी कोडिंग थोड़ी सी स्लो है, बट उसके ऊपर अभी हमने स्विच ऑन ऑफ किया हुआ है, उसको तो दिखा नहीं सकते। बट हाँ, अगर प्रैक्टिकली कोडिंग कैसे की है वो प्रैक्टिकली आने वाले भी समय में, आने वाले वीडियो में भी इसमें ऊपर दिखा दूंगा आपको कि ये वीडियो कैसे इसमें एडिट कर, कैसे इसमें कोडिंग करता हूँ और क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं पड़े हैं मेरे पास, वो सॉफ्टवेयर उन कम लैपटॉप के अंदर पड़े। कौन से सॉफ्टवेयर की कितनी पावर है, कितनी रेंज है, वो सब सारी चीज़ें जानेंगे उन आने वाली वीडियो में। और उन्हीं लैपटॉप के अंदर वो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, 1500 MB के भी हैं, कुछ 700 MB के हैं, 1000 MB, 1 GB के तो मान के चलो आप है। लेकिन कोडिंग के लिए आप सिंपल 4 GB वाला भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़े से रूल नियम अपने कंप्यूटर के देखने होंगे। अगर आप जितना कम रैम वाला होगा उतना स्लो चलेगा आपका सिस्टम। रैम जितनी फास्ट होगी उतना अच्छा, इंटरनल डिवाइस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छा, आई कोर्स जितने अच्छे होंगे, प्रोसीजर जितने अच्छे होंगे उसके उतना अच्छा। हम जो यूज कर रहे हैं इंटेल्स आई कोर्स 5E है हमारा, और इसमें विंडोज 7 10 डली हैं फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लैपटॉप कौन से हैं, तो आज जो इसके ऊपर हमने आर्टिकल इसके ऊपर आर्टिकल बनाया बना हुआ है, तो उस आर्टिकल में ऑलरेडी बताया भी है। इसमें ना हमें 2-3 बताने वाला, इसमें कम से कम 10 से 12 लैपटॉप बताने वाला जो आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी यूजफुल नॉलेज हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। सो ये फ्रेंड्स, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। सो बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग्स, गेम्स की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये जो लैपटॉप के मैंने 10 लिस्ट रखी है किसी भी कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप एप्लीकेशन बनाओ, गेमिंग गेम के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए जिनमें आप गेम खेलना चाहते हो, हाँ गेम कोडिंग के लिए ये सही है ये जो लैपटॉप दिखा रहा हूँ। और खेलने के लिए जो गेम्स आप गेम में इंटरेस्ट रखते हो, आप खेलते हो काफ़ी, तो उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो दूँगा, बट इनके ऊपर खेल सकते हो। आज का वीडियो है सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर। HP स्प्रेकेटर, इसको आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है हमारे पास जो है, अलग है इससे। लेनोवो को यूज कर सकते हो, HP के कर सकते हो, मैकबुक को कर सकते हो आप, मैकबुक प्रो को जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैकबुक प्रो हमारे पास इसको कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट इसको कर सकते हो, गूगल पिक्सल बॉक्स बुक इसको कर सकते हो, एसू इसको कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट देख सकते हैं, मैकबुक जिसमें 10 लैपटॉप है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। इनमें विस्तार से समझाया हुआ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टाइम से निकाल कर इनमें पढ़ लेना। बस इसकी जो HP की आप देख सकते हैं CPU 10th जनरेशन का, ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मेरा समझाने का मतलब, कहने का मतलब है कि लैपटॉप लेने से पहले आप सिंपल चीज़ समझ लो फ्रेंड्स। इस समय मेरे पास, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मेरे पास दो बाइक तो सर इवन ज़्यादा है, बट दो बाइक्स का उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि हार्ले डेविडसन और रॉयल इनफील्ड 385 CC। दोनों में कंपेरिजन करके देखोगे तो आप देखने में कौन सी अच्छी लगती है, हाले की देखने में
अच्छी लगती है रॉयल एनफील्ड, लेकिन चलाने के लिए और पावर के लिए देखा जाए तो हार्ले डेविसन रॉयल एनफील्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो वही चीज़ यह है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, वेबसाइट बनाते हो सिंपल, तो उसके लिए 4 GB, 120 GB के चल जाता है, 80 GB या 100 GB, 150 GB चल जाता है फ्रेंड्स। और इसकी HD क्वालिटी या इंचीज कम हो तो चल जाता है। आज देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि CPU 10th जनरेशन का होना चाहिए, हमारा 10th जनरेशन ही आई को कोर, जैसे कि i5 या i7 होना चाहिए, ग्राफिक इसका इंटरनल होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैम पे ज़्यादा मैटर रखता है, रैम पे जितना भी आपका, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये सब रैम पे डिपेंडेड है इस समय, जो मैंने इस यहाँ रखा हुआ है। तो ये है फ्रेंड्स, और रैम सारी स्टोर हो जाती है सी ड्राइव में, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ जितना ज़्यादा आप लोड करोगे उतनी ज़्यादा रैम बढ़ती जाएगी और स्लो, और लेकिन प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें बाहर ही रहती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ब्लैक किट मल्टी टच 3.13.3, तो यही सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स। आप इंटरनल डिवाइस देख सकते हैं, 256 GB एंड 2 ब्रॉडबैंड डिस्क SSD। SSD वाला की लैपटॉप जो भी, तो बहुत फास्ट चलेंगे HDD के मुकाबले, SSD वाले अच्छे होते। बैटरी लाइफ टास्क हीट देख सकते हैं उसकी, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, बट इतना शॉर्ट में लिखा है। आप प्रैक्टिकली एक पे मन बना लीजिए कि कौन सा ले हम। अभी एक प्रैक्टिकल में उदाहरण एक का दूंगा, अनेक ऐसे ही चेक करते जाना। ऐसे ही आपने पार्टिकुलर चेक करते जाना फ्रेंड्स, को जो लैपटॉप आपको पसंद आया वही बाय करें। मैं ये नहीं कहता कि आपको सभी बाय करने हैं। हाँ, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, आप प्रोग्रामिंग, बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी टीम्स हैं, तो फ्रेंड्स आप 1,50,000 या 1 लाख के बीच में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। उतने में आपको ये ऐसे लैपटॉप इससे कम में भी मिल जाएंगे, अगर बढ़िया, चाहे स्पीड अच्छी हो, हैंग बिल्कुल भी ना मारे कभी, तो इतने तक जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं HP कितने 2-2.5 लाख का लैपटॉप है। ये गेमिंग से लिए इस तरह से सही आते हैं, अगर आप अमेजोन इस तरह से यहाँ साइड पे आ गए फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो लैपटॉप मैंने निकाला था 50,000 से 75,000 के लगभग है। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के अनुसार, अपने बजट के अनुसार प्रोग्रामिंग के लिए ले सकते हैं। नहीं तो आप 4 GB और 120 GB, 4 GB रैम और 120 GB के भी कर सकते हो, सिंपल वेबसाइट बनाना हो। HTML JavaScript सीखना नहीं चाहते तो HTML JavaScript के सॉफ्टवेयर, JavaScript थोड़ी सी अपडेशन एक पोर्टल से, तो इस पर डेली अपडेशन रहती रहती है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो कभी इसकी 800 GB या 900 GB, 1,000, 1,500, तो इससे ज़्यादा तो नहीं है, बट जो मैंने डाउनलोड करके रखा है मैकबुक प्रो में, वो 950 MB का है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग के अनुसार आप कर सकते हैं। और मैकबुक एयर्स आप इसका प्राइस देख ले फ्रेंड्स, 8 GB रैम, 16 GB और स्टोरेज देख सकते हैं इसकी आप, 256 GB एंड ब्रांड विंडोज देख सकते हैं 2 है इसकी। SSD जैसे कि मैंने कहा कि SSD HDD के कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं ऐसे चीज़। और डायमेंशन देख सकते हैं 3x30x41x देख सकते हैं आप। और यहाँ देख सकते हैं जो एप्पल मैकबुक प्रो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे बाय किया था आज से 4 महीने पहले, तो इसकी प्राइस अभी देख सकते हैं अमेजोन पे कितना है। EMI पे लेंगे आप तो आपको फ्रेंड्स काफ़ी महंगा पड़ेगा, बट यहाँ लिखा सेव एक्स्ट्रा नो कॉस्ट EMI। और यहाँ जो अभी बाय करते दिवाली की सेल पे, तो आपको बहुत कम प्राइस में ये लैपटॉप, तो 19,000 का सेव हो रहा है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं 19,000 में अगर आप नया लैपटॉप लेते हो कम वाला, तो आपको भी मिल जाएगा। और यहाँ एप्पल देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं ग्रे। और जैसे कि मैंने कहा कि 16 GB रैम है, 512 स्टोरेज है, स्पेस ग्रे कलर का है, 16 इंचीज हैं, इंटरनल कोर i7 एंड 10th जनरेशन देख सकते हैं आप, कोर 7 और CPU EMD देख सकते हैं आप, लिथियम जनरेशन 6 कोर, इंटरनल कोर i7 प्रोसेसर है इसके अंदर लगा हुआ। तो देख सकते, मुझे फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा लगा है, और आप इसको अगर चाहते तो आप इसको डेफिनेटली बाय करें। इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे, अगर बाय करना चाहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पर आ जाना और ये
टाइप कर देना, आपको अपने आप मिल जाएगा ये चीज़ें। मैकबुक प्रो देख सकते हैं आप, मैकबुक प्रो सेम लैपटॉप, आप इसी का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप इससे पहले भी मैकबुक प्रो ही दिखाया था हमने, देख सकते हैं फ्रेंड्स सेम वही लैपटॉप हमने दोबारा खोल दिया है। और ये भी अगर इससे बाद देखते हो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था आपको 4 GB रैम 16 GB देख सकते हैं, रैम 4 GB से 16 GB के बीच, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं 128 GB तक इतना आराम से कर ले सकते हैं अगर आप। ये एक पर इसका प्राइस रहेगा 91,000 रुपये, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। न्यू जो अगर आप न्यू हैं HTML सीखना चाहते हैं, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इतने महंगे लैपटॉप लें। ये तभी लैपटॉप लेने का फ़ायदा है अगर आपके पास 8 से 10 15 मेंबर्स टीम्स हैं और आपके पास टीम अच्छी हैं और आप कोडिंग करके आपको अच्छी नॉलेज है और आप वेबसाइट या ऐसी गेमिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, गेमिंग एप्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 लैपटॉप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। नहीं तो अगर स्लो में भी कर सकते हैं, कर स्लो में ही सकते, मैंने कहता कि आप 2 महीने आप कर सकते, बट इसमें आप जो काम 6 घंटे में करना होगा वो उसमें आप 2 2.5 दिन में कर पाओगे। उसकी ये कि प्रोसीजर जितनी ज़्यादा आप डाउनलोड करते हो उतना ज़्यादा स्लो होता जाएगा, ये विद इन क्लिक एंड अप एंड डाउन टच एंड पैड अप एंड डाउन होता रहेगा। और जो ये लैपटॉप लेगा सिंपल वाले उसमें आप फिर प्रॉब्लम होगी, क्लिक करेंगे रीलोड होते टाइम लगेगा, तो चीज़ें लगती हैं फ्रेंड्स। इसलिए फिर जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था बीच में हार्ले और रॉयल इनफील्ड में, अगर हेल दोनों का कंपेरिजन करूँ तो देखने में सुंदर बुलेट लगती है और पावर में बात करें तो हार्ले उनसे 100 गुना अच्छी है अगर। तो ये फ्रेंड्स कुछ 10 लैपटॉप थे जिनके ऊपर आप ले सकते हैं, कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट मैकबुक प्रो 13 इंची देख सकते हैं आप, रैम इसकी 32 GB है और इसका प्राइस दिखा देते हैं। लैपटॉप ऐसे भी है जो 4-4 लाख के भी हैं फ्रेंड्स, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स, 13 8 GB 512 GB 16 GB, तो ये सारे प्राइस है। जैसे कि मैंने कहा था आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 60,000 का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 56,000 का इसको ले सकते हैं। काफ़ी है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एशूज़ के, HP के हैं, डेल के हैं, हमारा जिससे भी हम टाइप कर रहे हैं वो डेल का ही है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है कि कौन से लैपटॉप हमें लेने चाहिए कौन से नहीं, तो प्राइस मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप इनको तभी बाय करना जब आप एडवांस लेवल पे हैं, बिगनर लेवल के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप HTML कोडिंग सीख रहे हो तो कोडिंग सीखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सिंपल कोडिंग लैपटॉप आते हैं फ्रेंड्स, लैपटॉप आपको 10 से 12 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। उनको लें, 4 GB रैम उसमें आराम से हो जाती है और 120 GB 128 GB उनमें इंटरनल स्टोरेज होती हैं, तो आप उनको जरूर करें। ग्राफिक भी आपको i5 के इतने 10-15 हज़ार 32 हज़ार तक मिल जाएंगे, उससे रेंज कम में भी मिल जाएंगे। और आने वाली वीडियो में बता दूंगा कम रेंज के लैपटॉप कैसे लें और कम रेंज के लैपटॉप कौन कौन से हैं जो कोडिंग के लिए बेटर है, वो आने वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है कि एडवांस लेवल के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैपटॉप कौन से लेने चाहिए और कौन से ऐसे लैपटॉप है जो 10 हर एक पर्सन अगर एडवांस लेवल है तो लेने चाहिए। मैं रिकमेंड कर दूँ, अपनी नीड के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि कोड डेवलपर है तो उसको पता होगा कि मुझे किस तरह से पावर वाला लैपटॉप चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और इसी तरह से अगर टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूजफुल नॉलेज चैनल पे लगातार लगातार डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।